बड़ी भाभी लेट शेट तो नहीं हो गए ना? नहीं नहीं समय पर हैं। लवली तो आज पूजा में नहीं आएगी ना भाभी? मॉम जी ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है। आरती की थाल दो। लवली जल्दी कर, आरती शुरू होने से पहले पहुंचते हैं कैसे भी करके। रिया बहू, कार्तिक की पत्नी को बोलो कि वो आरती उतार ले, क्योंकि उसका पहला दिन है तो उसे ये सब करना चाहिए। जी। थाली पकड़ो, उसे राइट से लेफ्ट ऐसे घुमा के आरती निकाल दे। जय शिव ओंकार, प्रभु हरि शिव ओंकार। ज्ञाना बहू। जी मासा। आप सब लोगों को पता है ना, मोहल्ले में जो माता की पूजा रखी है उसमें हम सबको जाना है। जी। और आज सारी बहुएं साड़ियां पहनेंगी। क्या मैं सलवार कमीज नहीं पहन सकती? नहीं नहीं, हमारे यहाँ शादीशुदा बिंदनियाँ पूजा में साड़ी ही पहनती हैं। निम्मी भाभी तो साड़ी नहीं पहनती। निम्मी बहू पंजाबी है और ये उसका पारंपरिक पहनावा है। लेकिन मासा, रूल तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए ना। निम्मी भाभी, I'm really sorry। कोई गल नहीं, ठीक है जी। नहीं नहीं निम्मी, लवली तुम साड़ी ही पहनोगी। रिया अपनी कोई एक साड़ी लवली को दे दो। जी चलो। ये साड़ी पहनना किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। पता नहीं कैसे बांधते हैं, कैसे। देर भी हो रही है। पधारो, आवो 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 आवो। गणी खम्बा काकी सा। खम्बा, आपकी नई बिंदनी कट है? सारी मोहल्ले के लुगाइयों को मिल लो, ए देख लो ए। हाँ वो थोड़ी देर में आती ही होगी आरती। अरे तो क्या हो गयो, हम इंतजार कर लेंगे क्यों री। एक बात तो माननी पड़ेगी, दुनिया इधर से उधर हो जावे पर बिंदेश्वरी भाभी और उनकी बिंदनियाँ एक मिनट भी देरी ना कर दे। लवली कहाँ रह गई? मैं जाकर देखती हूँ। मैं यहाँ हूँ। उसे तो साड़ी भी पहननी नहीं आती। आज तो ये छोरी हमारी नाक कटवा के ही छोड़ेगी। भाभी, मिसेस कौशिक की ये पांचवी बहू ना इन चारों बहुओं के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। हम लोग पूजा के स्थान पर आगे बढ़े। चलो काकी सा, आओ आओ आओ। पंडित जी जाइए, ये माला वहाँ चढ़ा दीजिए। आरती सारे पहले पैसों बचो की नहीं। आरती। हाँ रखती हूँ काकीसा। हम आ गए मासा। वाह भाभी सा, आपकी बिंदड़ी तो सुंदर है और साड़ी में तो और खूबसूरत लग रही है। कुछ समय पहले तक तो हमें भी यही लगता था, लेकिन इस छोरी के आने के बाद से सब कुछ बदल गया है।
क्या कर रही हो तुम? ठीक ढंग से बैठो, तुम सबको परेशान कर रही हो। अरे बाबू,